आज के मुख्य समाचारों की ओर। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जहां जगह जगह पर हनुमान चालीसा सुंदरकांड करने को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर रहे हैं, वहीं अब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी भगवामय रूप में देखे जा रहे हैं। इसी को लेकर एक और धर्म की यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करने का काम जोबट के स्थानीय नेता जिला महासचिव सुरपाल अजनार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जहां वह जोबट विधानसभा के हर बूथ पर जाकर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर कमलनाथ जी का संदेश गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं अब धर्म यात्रा निकालकर जनता के बीच भगवा रूप में देखे जा रहे हैं। इसी के साथ उनके द्वारा जोबट से कुबेर धाम यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 700 से ज़्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता व भक्त समाज सेवी लोगों ने इस यात्रा का लाभ उठाया। वहीं दूसरी ओर इस यात्रा के माध्यम से अजनार ने अपना आगामी चुनाव को लेकर शंकरनाद भी कर दिया है। वहीं अजनार के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा जताती है या उन्हें पर जिम्मेदारी सौंपती है तो वहां उसे अच्छी तरह से निभाएंगे और कांग्रेस को मजबूत कर जोबट में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। आज हमने जोबट से कुबेरेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा का हमने प्लान बनाया था, जिसमें सभी समाजजन और कांग्रेस के युवा और वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ में करीब करीब 600 से 700 लोग हम यहाँ पे कुबेरेश्वर धाम गए। वहाँ पे नर्मदा जी का स्नान किया और कुबेरेश्वर धाम जी का दर्शन किए। पश्चात हमने पोईचा पहुँचे नीलकंठ धाम और इस तरह से हमने वहाँ पे सब लोगों को दर्शन कराए। हमने भी दर्शन किया और हम वहाँ से रात्रि करीब करीब 1:30 बजे वापस पहुँचे। हम कहीं लोगों ने कल भगवा गमछे पहने थे, क्या मतलब निकाले इस भगवा गमछे को लेकर? भगवा दुपट्टा हमने सभी समाजजन और कार्यकर्ताओं को हमने गले में पहनाया। यह हिंदू का प्रतीक है और हनुमान जी के का भी प्रतीक है और माननीय कमलनाथ जी ने भी मतलब निर्देश दिए हैं कि आप प्रत्येक बूथ पे जाएं और हनुमान जी की हनुमान चालीसा करें। तो ये भगवा गमछा तो हिंदू का प्रतीक है, किसी का व्यक्ति विशेष थोड़ी है। हमारे द्वारा माननीय कमलनाथ जी के द्वारा जो घोषणा की गई है, उन घोषणाओं का हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी की जो घोषणा और योजनाएं हैं, उनका हम पोस्टर पूरे विधानसभा में लगा चुके हैं और हाईकमान अगर हमको हम पे विश्वास करके टिकट देती है तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ।